आत्मदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को जय यीशु। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 से लेकर 29 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, प्रभु यीशु का जन्म हम सभी को हमारे जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग लेकर आता है। हम प्रभु यीशु के जन्म के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए हम काफ़ी तैयारी करते हैं, और हम सभी को मालूम है कि क्रिसमस के लिए हम सभी पहले से ही, एक दो महीने पहले से ही तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। हम अपने घर को सजाते हैं, अपने घर में बहुत सारे लोग आने की जो तैयारी करते हैं, उसके लिए हम अपने घर को, अपने आंगन को, अपने परिवार के लिए नए कपड़े लाकर तैयारियां करते हैं। हम काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन हम कई बार हमारी आध्यात्मिक तैयारी के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। हम अपने आप को उस प्रभु को समर्पित करने के लिए समय नहीं दे पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, जब भी हम क्रिसमस का नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु यीशु का बर्थडे। और आज के सुसमाचार पाठ में हम इसी चीज का विवरण देखेंगे कि किस प्रकार एक स्त्री ने भीड़ में से कहा कि धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया है, और धन्य है वह गर्भ जिसमें आप, जिसने आपको धारण किया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में क्रिसमस के उस अहम मुख्य संदेश को अपनाने में असक्षम हो जाते हैं। हम उस प्रभु यीशु को, जो हमारे मुक्तिदाता है, उसके जन्म को मनाने के लिए हम बाहरी तैयारी करते हैं, परंतु हम आंतरिक तैयारी नहीं करते हैं। आज का विषय हमें यह दर्शाता है, आज का पाठ हमें यह बताता है, और खुद प्रभु यीशु हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपना दैनिक जीवन जीना है। जब प्रभु उत्तर देते हैं उस महिला को जिसने उन्हें भीड़ में से संबोधित किया, तो प्रभु कहते हैं, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब भी हम हमारे जीवन को देखें तो हम बहुत सारे प्रलोभन से जुड़े रहते हैं, अपने आप को प्रलोभन का साधन बना लेते हैं एवं दूसरों को प्रलोभन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि किस प्रकार हमें प्रभु यीशु से जुड़ना है। अगर हम किसी के लिए प्रलोभन का कारण बनते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, अच्छा यही होता कि उस व्यक्ति के गले में चक्की का बाट बांधा जाता और उसे फेंक दिया जाता। अच्छा यही होता कि उस व्यक्ति के गले में चक्की का बाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया होता। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, कई बार हम हमारे जीवन में प्रभु को इतना महत्व नहीं दे पाते हैं, हम माता मरियम को महत्व नहीं दे पाते हैं। लेकिन कई बार हम जब ऐसी बातों को सुनते हैं, ऐसे वचनों को सुनते हैं, तो हमें अपने दिल से उस प्रभु के वचनों को समझना है कि क्या हम सचमुच प्रभु को एवं उनकी माता को, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, क्या वे सचमुच हमारे दिल में हैं, हमारे घर में हैं, हमारे परिवार में हैं? क्या हम सचमुच उस प्रभु के वचनों को सुनते हैं? यह कब होगा, यह कैसे होगा? क्योंकि प्रभु का वचन आज हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं वे धन्य हैं। और माता मरियम ने अपने जीवन में यही किया, उन्होंने प्रभु ईश्वर के वचनों को एवं ईश्वर की योजनाओं को अपने दिल से स्वागत करते हुए उन पर मनन किया और उनको अपने जीवन में पालन किया। और यही प्रभु यीशु भी उस स्त्री से कहते हैं, धन्य हैं वे जो प्रभु के वचनों का पालन करते हैं,
प्रभु के वचनों का पर आचरण करते हैं। आइए आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु के वचनों को समर्पित करें। क्या हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं? क्या हम उस वचन को भोजन रूपी समझकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों से जो भी सीखे, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते हुए, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ते हुए, प्रभु की करुणा में आगे बढ़ते हुए हम प्रभु के वचन को अपनाएं एवं प्रभु को अपने दिल में आमंत्रित करते हुए उस माता मरियम की तरह जिन्होंने प्रभु के योजना को समझा और प्रभु के वचनों पर अपने आप को समर्पित कर दिया। आइए हम भी अपने आप को प्रभु के वचनों पर समर्पित करें। हम डेली कुछ क्षण प्रभु के वचनों को सुने एवं प्रभु के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन में उतारे। यीशु।